असलेंट्स हम क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने इसके पहले दो पार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर फाइव आप एक दफ़ा दोबारा देख लें ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस डिसमेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन आफ्टर प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल एक्सो और एक्स नाट तो हमने कहा था कि हमने एक पार्टिकल जो कि सर्कल में मूव कर रहा है उसके लिए हमने तीन चीज़ें डेवलप करनी थी हमने उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन डेवलप करनी है कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी प्रोजेक्शन कितना डिस्प्लेस करेगी सेंटर से हमने यह देखना था कि पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से प्रोजेक्शन की वेलोसिटी किस तरह से उसकी क्वेश्चन ड्राइव करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोजेक्शन का मोशन पार्टिकल के मोशन के ऊपर डिपेंडेंट है उसका लास्ट पार्ट रह गया था और वो ये है कि एक्सेलरेशन प्रोजेक्शन का उसका पार्टिकल के एक्सेलरेशन से क्या लिंक है या हम प्रोजेक्शन के एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन डेवलप करना चाहते हैं तो इस सारे के पीछे मकसद ये है कि हमें हमने पिछले सवालों में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो उसकी प्रोजेक्शन का मोशन स्प्रिंग के मोशन के जैसा है तो क्योंकि स्प्रिंग मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन मोशन इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक। तो हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलेशन की इक्वेशंस डेवलप कर रहे हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में हम यही इक्वेशंस जो हमने प्रोजेक्शन के लिए निकालनी है सर्कुलर मोशन में उसको स्प्रिंग के, के केस के लिए कन्वर्ट करेंगे मगर वो आगे की बात है आज हमारा टास्क यह कि हमने एक्सलेशन इसमें देखना है कि एक्सलेशन के लिए क्या इक्वेशन डेवलप करेंगे स्टूडेंट फिक आपको याद होगी एक और चीज़ जो हम आज के लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपने ये क्वेश्चन पढ़ी थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एन बाय ओ पी और हमने यह भी कहा था कि ओ एन एक्स है और ओ पी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी कि एक्स ओ है तो ये याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा ओ एन यानी कि एक्स डिवाइडेड बाई ओ पी यानी तो अब हम चलते हैं एक्सोरेशन की तरफ ओके स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस एक्सोरेशन चैप्टर नंबर फाइव में आपने ये पढ़ा होगा कि जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है उसका जो एक्सोरेशन है ए वो आर ओमेगा स्क्वायर होता है एजिकल टू आर ओमेगा स्क्वायर लेकिन हमें मालूम है कि हमारे पास इस सर्कल में जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक इसको हम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी कह सकते हैं ये ओरिजिन हो गया ये सर्कल के सर्कल तक हमारे पास इधर से इधर तक मैक्सिमम डिस्टेंस है ये मैक्सिमम डिस्टेंस रेडियस भी कहलाता है मतलब रेडियस तो कहलाता ही है लेकिन इसके साथ साथ हम इसको मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक्स ओ भी कहते हैं तो हमारे पास एक्सलेशन जो कि r ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू चैप्टर फाइव तो r की जगह हमने रिप्लेस किया है x0 यहाँ पे स्टूडेंट्स ये a कैपिटल की बजाय स्मॉल आना था तो ये तो छोटी सी मिस्टेक है इसको आप नोट डाउन कर लें कि ये a p a स्मॉल आएगा कैपिटल नहीं है तो हमारे पास इसी तरह से एक पार्टिकल आप देख सकते हैं पार्टिकल p सर्कल में मूव करेगा तो जिस तेज़ी से पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा उसी के हिसाब से उसकी प्रोजेक्शन इस डायमीटर पे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी तो अगर पार्टिकल क्विक जाएगा प्रोजेक्शन भी क्विक जाएगी अगर पार्टिकल स्लो स्लो जाएगा तो प्रोजेक्शन भी स्लो स्लो मूव करेगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज होती है उसी हिसाब से प्रोजेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी और अगर हम इस चेंज को देखें कि ये वेलोसिटी का चेंज कितने टाइम के अंदर आया है तो हम इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि पार्टिकल एक्सलेन एक्सलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स ओ स्क्वायर फ्रॉम चैप्टर फाइव ए इज इक्वल टू आर ओमेगा अब प्रोजेक्शन क्योंकि वाई एक्सेस में मूव करती है तो वाई एक्सेस के लिए आप नॉर्मली साइन थीटा यूज करते हैं तो प्रोजेक्शन का एक्सलेशन ए जो कि डिपेंडेंट है पार्टिकल के एक्सलेशन पर लेकिन पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी दो डाइमेंशंस हैं एक्स और वाई लेकिन प्रोजेक्शन सिर्फ और सिर्फ वाई में मूव करेगी इसलिए प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन पार्टिकल के एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट होगा और अमूमा हम वाई के लिए साइन थेटा यूज़ करते हैं तो हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन पार्टिकल एक्सेलरेशन बट द वाई कंपोनेंट ऑफ इट सो एज इक्वल टू थीटा एपी की वैल्यू हमने अभी ऊपर देखी है X0, ओमेगा या XO, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर या थीटा थीटा स्टार्ट में मैंने भी आपको बताया था कि की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे आप पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी ए हो जाएगा और आपके पास एक्ल ओमेगा वो हमेशा यानी कि मीन पोजिशन की तरफ होती है मतलब मीन पोजिशन की तरफ होती है और हमारे इस केस में सर्कल के सेंटर की तरफ होगी अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है बेशक प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी मगर एक्सेलरेशन तब भी चाहेगा कि वो सेंटर की तरफ आए तो फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है मगर उसका रुख फिर भी कहाँ होगा सेंटर की तरफ तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है एक्सलेशन की डायरेक्शन नीचे सेंटर की तरफ है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक्स और ए नेगेटिव हमने इसलिए पुट किया ताकि ये दिखाया जा सके कि ये दोनों अपोजिट हैं

तो वेलोसिटी के अंदर चेंज तो आएगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वेलोसिटी के अंदर चेंज भी कम होता जाएगा मगर इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी लेकिन एक्सलेशन की डायरेक्शन तब भी किस तरफ होगी डाउनवर्ड तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे ओके स्टूडेंट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था